कहाँ जा रहा है? ऐसे कौन भागता है? ओडे ओडे, अरे अरे, सबको भगाया। और फिलहाल जो है कि यहाँ पे मम्मी जो है गोबर और मिट्टी जो है उसको। हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि अभी बज रहे हैं भाई कंप्लीट 10। फिलहाल जो है कि गाय वगैरह जो है कि सब छोड़ दिया है, गायवाड़ा के अंदर है। छोटे बच्चे जो है कि उनके वाड़ा के अंदर है। और अभी जो है कि भाई मैं जा रहा हूँ गाँव में, क्योंकि गांव में जो है कि भाई हमने एक बछड़ी दी है। वो बछड़ी जो है कि हम आज ऑफिस लेके आ रहे हैं। तो उनका सुबह सुबह ही कॉल आया था कि भाई एक काम करो, बोले आप आके वो बछड़ी लेके जाओ। लगभग तो सब दोस्तों को याद ही होगा, काबरी जो है कि हमने एक छोटी सी गांव में बच्ची दी थी। तो वही बछड़ी जो है कि भाई हम ऑफिस लेने जा रहे हैं। बोले ज़्यादा दूर है नहीं, तो बोले गाड़ी की कोई ज़रूरत है नहीं, पैदल लेके आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं, वो वाली जो बछड़ी है उसको यहाँ पे लेके आते हैं। और ये देखो, यहाँ से जो है कि इतनी जगह में से ये घुस के अंदर जाके खड़ी है। नहीं नहीं, बाहर इतना सारा एकदम खुला मैदान था, आप घूम सकते थे, तो यहाँ अटकने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं, हमें तो अंदर जाके अटकना ही है, तो अटको फिर। चलो दोस्तों, चलो तभी फटाफट से चलते हैं, वो वाली जो बछड़ी है उसको लेके आते हैं। और आपा जो है कि यहाँ पे कुछ दरवाजा बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बना रहे हैं दरवाजा। ये जो है 2 दिन पहले बांस काट के लाए थे, तो यहाँ पे जो है कि अभी दरवाजा बनने के बाद देखना, आपा की जो कलाकारी है ना भाई, एकदम अलग लेवल की होती है। ये पूरा जो है कि सिस्टमेटिक उन्होंने किया है पूरा का पूरा भाई। ये रूम जो है कि एकदम अलग से, हमारे जो है वहाँ पे जो है कि सब अलग अलग रूम थे, लेकिन यहाँ पे जो है कि सब ज्वाइंट रूम कर दिए, ज्वाइंट फैमिली। और फिलहाल जो है कि यहाँ पे मम्मी जो है गोबर और मिट्टी जो है उसको एकत्रित कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स करने के बाद जो है कि भाई अंदर की जो लिपाई है वो मम्मी कर रहे हैं, वो काम मम्मी के पास होता है। बाकी ये लकड़ी वगैरह का आपा और ये बाकी जो काम है वो हम संभालते हैं। और मैं आपको बता दूं, भाई चिड़िया को जो है ना भाई महेश भाई की आदत लग गई है। मैं अगर उतना दूर जाके उनको दाना डालता हूँ तो तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन महेश भाई जब भी दाना डालता है ना भाई, तो भागते नहीं हूँ, महेश भाई के पीछे पीछे आते हैं। और ये देखो कितने आ गए, ये देखिए बहुत सारे आ गए दोस्तों। और ये देखो ये क्या हो रहा भाई, राधे राधे। तो चलो अभी फटाफट से निकलते हैं। कपड़ा उसका मांगू पेन है नहीं, तेला है ना, मस्त सही चली। अरे पढ़ा ली ओडे 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 आता तेरा लाइट पेटली कब हुआ? नहीं तो भागेंगे फिर। आता दे सोड़, थमा थमा थोड़ी मत जाओ, दे सोड़ ते पास 10 मिनट उड़िया मारे लिए। अरे कबड्डी रंबे तो और कहाँ पे गई वो? इधर आ जा।
अरे अरे सबको भगाया। तो अंदर से जो है कि ऐसा लीप देते हैं, ऑलरेडी एक बार लीप दिया है, अभी दोबारा लीप रहे ताकि ये पक्का हो जाए। अभी तक जो है कि भाई इसकी मस्ती बंद नहीं हो रही है। चुप बैठ। आए हाँ देखो, ये देखो अभी तक भाई उसकी मस्ती बंद नहीं हो रही। और अभी जो है कि भाई इधर का खाना भी उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे उसको चारा ही इतना अच्छा अच्छा मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये बछड़ी जो है कि भाई हम ऑफिस नहीं लेके आए हैं, वो भाई बोले वो जो है कि भाई हीट पे आई थी तो ब्रीडिंग के लिए लेके आए हैं। अभी आपको जो है कि वो आपको बछड़ी जो है कि हाइट से वो एकदम आपको छोटी लग रही होगी, ये देखिए। लेकिन जो है कि भाई उसकी उम्र ज़्यादा है लेकिन उसकी हाइट कम है। बाकी जो है कि भाई उसकी उम्र बराबर है तो ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि इस इतना टाइम जो है कि सिर्फ मैंने उनको बोला कि एक बार जो है कि आप झुंड में लेके आओ, बुल के पास लेके आओ, लेकिन इस बार जो है कि उसकी ब्रीडिंग नहीं करवानी, और 2 महीना या 3 महीना जाने देते हैं, फिर बाद में ब्रीडिंग करवाएंगे। लेकिन सिर्फ जो है कि आप एक बार लेके आओ, झुंड में 2-4 घंटे छोड़ दो, फिर आप ऑफिस लेके जाओ। अगर अभी हीट पे है फिर भी ब्रीडिंग अभी नहीं करवाएंगे हम, सिर्फ जो है कि झुंड में 2-4 घंटे छोड़ देंगे, वापस भेज देंगे, फिर अगले टाइम उसको ब्रीडिंग के लिए लेके आएंगे। क्योंकि ये देखो उसकी मस्ती देखो, ये देखो, और भाई क्या हट्टी गट्टी हो गई है भाई देखो। तो ब्रीडिंग तो वैसे भी अभी उसकी करवानी है नहीं, सिर्फ जो है कि भाई 2-4 घंटे अपना वाड़ा में रहेंगी, फिर जो है कि उनको बोलेंगे आके लेके जाओ। चलो अभी जो है कि खाना पीना खाते हैं, फिर अगला काम जो है स्टार्ट करेंगे। घोड़ा भी जो है कि वो भाई ने यहाँ पे लगा दिया। अभी जो है कि ये पूरा जो सामान है, अभी सामान भी अभी तक ऐसे ही पड़ा है क्योंकि अंदर जो है कि सब गोबर की लिपाई चालू है, तो इसकी वजह से सामान बाहर है। जैसे ही वो अंदर की लिपाई कंप्लीट होती है ये पूरा सामान अंदर। वो देखो, ये देखो, ये क्या हरकत हो रही, ये देखो, ये देखो, ये क्या हरकत हो रही है, हरकत नहीं, दूर दूर दूर, हरकत क्या कर रहा था, हरकत नहीं, दूर है तू, रुक। ये देखो इस बच्चे को इतना परेशान करता है ना भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सब बाजू बाजू में, ये देखो यहाँ पे बबली और यहाँ पे गुड्डी। फिलहाल जो है कि आप्पा बना रहे हैं यहाँ पे गेट, जो कि अभी रेडी होने के बाद आप देखना, यहाँ पे बनाना है एक गेट और ये भी बनाना है। ये ऑलरेडी बनाया है लेकिन ये जो है कि ब्लैक वाली ताड़पत्री है तो ये निकाल के जो है कि ऐसा नेट लेके आया है इस कलर में। और ये जो है कि अपना है, यहाँ भी बनाना है भाई। पूरा बनने के बाद जो है कि भाई थोड़ा सिस्टमेटिक होगा भाई, एकदम जबरदस्त। इसकी ब्रीडिंग जो है कि भाई पहले करवाई थी, कल जो है कि फिर से हिट पे आई, कल फिर से इसकी ब्रीडिंग करवाई है। और दोस्तों खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप सब पशुपालक ही है, मुझे पता है, मेरा जो जो व्लॉग देखते हैं वो व्लॉग भाई डेली का बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। जो जो भाई गौ माता को मानता है वो सभी को आज जो है कि रिक्वेस्ट है भाई कि वो लाल कलर का बटन है भाई उसको दबा दो, और आज के व्लॉग में भाई कंप्लीट 2000 सब्सक्राइबर आ जाने चाहिए। क्योंकि 2000 तो नए लोग हो गए ना, बाकी सब ने तो सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन जिन जिन भाइयों ने नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट है भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत मोटिवेट मिलता है कि नहीं भाई आप सबका बहुत सारा सपोर्ट है, तो फटाफट से चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दो। पहली बार जो है कि पूरे बच्चे जो है कि आराम से सब नीचे बैठ गए, क्योंकि सबको जो है कि कुटी रख दी थी, कुटी खा के सब आराम से बैठ गए। सुरेश भाई और हरि भाई गए हैं मार्केट। अभी सुरेश भाई पता नहीं अभी गन्ना भरने के लिए गया है या हरि भाई के साथ फ्लावर की पत्ती भरने के लिए गया है, वो मुझे पता नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे बैठी है। अभी जो है कि इसका काम जो है कि हो गया है कंप्लीट, थोड़ा बहुत बाकी हो निपटाएंगे, फिर जो है कि गाय के लिए छांव बनाएंगे, छोटे बच्चों के लिए छांव बनाएंगे। अभी तो काम जो है कि भाई चलने वाला है, थोड़ा सा लंबा ही चलेगा। अब जो है कि भाई शांत हो गए, इतनी उछल कूद कर रही थी भाई, अभी जो है कि एकदम शांत हो गए। लेकिन भाई क्या देख रही है भाई, अपनी जो बछड़ियाँ ना भाई सब क्वालिटी है, लेकिन क्या होता है कि भाई उनके पास एक है तो दिन भर चारा डालते हैं, तो हट्टी कट्टी होने के बाद एकदम क्वालिटी दिखती है। अभी देखिए मैंने जितनी भी बछड़ियाँ दी है भाई वो सब क्वालिटी है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास इतनी सारी गाय है तो बड़ी गाय जो है कि उनको मारती है तो कम चारा मिलता है, तो अलग अलग चारा होता ना भाई तो यूँ हट्टी कट्टी हो जाती। तो ये वाली जो है कि पहले वाली बछड़ी है, आप देख सकते हो ये वाली पहले वाली, और अभी जो दी है वो ये रही है देखिए, और भेड़ में दिख भी नहीं रही है, क्या अभी 2-4 दिन पहले दी है।
अभी जो है कि दोनों की जोड़ी होगी, आप देख सकते हो, ये देखो भाई। तू क्यों आ रहा है इधर? अरे ओके ओके ले, ओके ओके ओके। वो बोल रहा है भाई सबको माथे पे हाथ लगा दो, मेरे माथे पे हाथ क्यों नहीं लगाते? ओके लगा दिया, मतलब चले जाओ आगे। अभी जो है कि भाई एकदम शांत हो गए हैं। फिलहाल जो है कि अभी मुझे पोपट मामा का कॉल आया था। सुरेश भाई जो है कि आज फ्लावर की पत्ती भरने के लिए नहीं गया है, सुरेश भाई गया है आज, कल जैसे ही बोले रुक भर के लाए तो वैसे ही आज जो है कि गन्ना वगैरह भरने के लिए गए हो। तो अभी पोपट मामा का कॉल ही आया था कि भाई आप जो है कि मेरे घर पे जाओ, क्योंकि जो उनकी भैंस जो है, उनके जो है कि भाई हर साल जो है कि भाई भैंस का बाल निकालना पड़ता है, मुंडन करवाना पड़ता है ऐसा समझ लो। तो क्या है कि भाई भैंस जो है ना, भाई उनका पैर बांधना पड़ता है, यानी तो वो बाल नहीं निकालने देते। तो जो भाई बाल निकालने के लिए आया, वो भाई बोल रहा है कि भाई ये भैंस बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। पोपट मामा बोले अगर तू नहीं गया तो वो भाग जाएंगे, बोले वो तो जो है कि बाल निकालने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो पोपट मामा बोले तू वहाँ पे जा और थोड़ी हेल्प कर, तब तक हम आ जाते। मैंने बोला ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं पोपट मामा के घर पे। हाँ, बाकी सब भैंस के जो है कि भी बाल निकाल दिया है, अभी दो भैंस का बाल बाकी है और उनका भैंसा का बाकी है, लेकिन वो बहुत दिक्कत दे रहे हैं भाई। देखो पूरे कपड़े गंदे कर दिए उन्होंने, ये बहुत भाग रहा है, इसकी जात का थाम, रुक जा। कहाँ जा रहा है, ऐसे कौन भागता है? अरे बहुत खतरनाक है ये, देखो इसने ये वाला जो टायर अंदर गाड़ के रखा था ये भी पूरा उखाड़ दिया, परेशान करके छोड़ा है भाई इसने तो। फिलहाल जो है कि अभी आ गए हैं हम घर पे, पोपट मामा के वहाँ पे जो काम था वो खत्म कर दिया था, और अभी पोपट मामा भी आ गए थे यहाँ पे जो है कि गन्ना ला के डाल भी दिया और ख़त्म भी कर गए। और फिलहाल जो गाय जो है कि हो गई है चरने के लिए, तो अभी हरी भाई जो है कि भाई ट्रैक्टर जो है उसे कर रहा है खाली। इसमें हरी भाई मुझे लग रहा है क्या भर के, क्या क्या भर के लाया इसमें आज? बहुत सब्जी भर के लाया बहुत। अभी देख सकते हो ये है भाई गाजर, गाजर ये देख, गाजर है, गाजर है, हाँ ये गाजर भी अलग है, ये गाजर भी अलग है, क्या बात है। मत जाना घर में, मत जा घर में, मत जा। तो आप देख सकते हो ये है भोपड़ा, तो ये देखो ये ऐसी प्लास्टिक की जो थैली है इसमें पैक करके रखा है, तो ये निकाल देना है ये देखो, और फिर जो है कि ये नीचे डाल देना है ताकि गाय खा ले। हरी बहन इतनी निकाल के रखी है, इसमें बहुत बहुत सारा है। और दूर दोनों ऐसे पकड़े, हाँ फिर ये दोनों ऐसे ऐडा करते जा। अब ये देख, ये दोनों ऐसे पकड़े ऐसा, ये बहुत खाते दोस्तों भोपड़ा, इसे बोलते दूधी, दूधी बोलते उसको। ये जो है कि भाई एक्सपोर्ट होता है बॉम्बे अहमदाबाद, वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, लेबल भी यहाँ पे लगाया है। अभी एक नग की कीमत जो है कि वहाँ पे 30-40 रुपये होती है वहाँ पे। वो माल अपनी गाय खाती है, देखिए एक्सपोर्ट माल। वो क्या है कि थोड़ा एक्सपोर्ट में क्या होता है कि थोड़ा अगर गाड़ी लेट हो जाती है रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो हम लेके आ जाते हैं इधर। जला दो पूरा प्लास्टिक, अगर गाय ने खा ली तो दिक्कत हो सकती है। जो गाय को कोई जख्म है, कोई गाय का ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए जो भाई ये भोपड़ा जो है कि भाई बहुत फायदेदायक है। तो ये कोई गाय अगर बीमार है और उसको कोई ऑपरेशन वगैरह किया है तो आप जो है कि उसे ये खिला सकते हैं भाई। अरे भाई यार मैं थक गया है निकल निकल के, कितना भर के लाए यार तुम? ये 40 है। कितना? 40। 40 क्या बात है। पूरी प्लास्टिक खा जाएंगे, नहीं जला दो, दे दो, हो गया खत्म। वो देखो वहां पे है दो तीन, जितना भोपड़ा था उसकी जो ऊपर की प्लास्टिक की थैली थी वो निकाल दी है। अभी गाजर है लेकिन वो नीचे है, फ्लावर की पत्ती खाली करने के बाद फिर से गाजर की थैली निकालनी पड़ेगी। एक घंटा हो गए भाई ये जो है कि खाली कर रहे, अभी तक खाली नहीं कर पाए यार, कितना टाइम पास करते हो। हेलो अजय दर, अरे भूखी है तू आज, खा ले कुछ, ले ले फटाफट चलो।
कैसे हो? अभी आप देख सकते हो इसमें है गाजर, आप देख सकते हो ये ऐसा एक्सपोर्ट होता है गाजर। अभी इधर कहाँ फेंक रहा है यार, अभी सब खोलना है। देखो बहुत सारा गाजर, ये देखिए गाजर गाजर गाजर, ये सब अच्छा गाजर है, देखिए कुछ नहीं हुआ इसको। तो दोस्तों ये देख सकते हो गाजर में भी दो वैरायटी है, ये वाला अलग गाजर है और ये वाला देखिए इसकी सब्जी होती है। ये देखिए सब्जी भी होती है और हलवा भी होता है, इसका हलवा हाँ, ये छोटी इसका हलवा होता है इसका। वैसे इसको कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे अच्छा खाने में ये वाला मीठा है भाई। ये जो है कि भाई ये कड़वा है, नहीं नहीं ये भी अच्छा है क्वालिटी में खाने में, ये मजा आती है। इसे बोलते हैं फ्लावर जो होता है उसका मामा का लड़का है, इसे बोलते हैं ब्रुकलिन। ऐसा फ्लावर ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा इसका नाम है ब्रुकलिन, सेम फ्लावर की सरीखा होता है। ये दोनों बच्चों को तो यहाँ पे बांध दिया है। तो जो है कि भाई आज लास्ट है, आज पूरा का मटेरियल जो है, पूरा मटेरियल जो है क्या जाएगा ये साइड में। बबले अरे भाई के जाओ, मैं इस पे पूरा हिला उसको, गिर नहीं गिर रहा वो, गिर रहा है फिर तो। इधर से ले, इधर से इतनी बड़ी लकड़ी डाल दी थी पर नीचे गिरा दे, गिरा दे, दो जन मिलके उसको डाल दो ऊपर। फाइनली जो है कि वहाँ का पूरा जो सामान था पूरा लेके आ गए, लकड़ी बिकड़ी सब जो था पूरा का पूरा उठा के लेके आ गए हैं। वहाँ का जितना भी था हो गया है खत्म। और मैं आपको बता दूं कि भाई ने जो है कि यहाँ पे जो है कि अटका दिया है इसका गियर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके ट्रैक्टर का यही होता है, आगे स्पीड में होता है तुरंत रिवर्स डाल देते हैं गियर अटक जाता है। अभी ये अटका दिया है, अभी खुद ब खुद निकाल रहा है। ऐसा है कि ऐसा निकलेगा, निकल जाएंगे अभी ठीक करके देता। अरे क्या अभी ठीक करके देता, अभी ठीक करके देता भाई तू यार। फाइनली फिलहाल जो है कि भाई गियर निकल गया है। ये देखो ये हमारे सिस्टमैटिक का, ये बच्चों ने सिस्टम को हैंग कर दिया है। अब क्या बताए दोस्तों, अभी ये पूरा निकाल देना है भाई लकड़ी कह रहे। अभी जो है कि भाई गाजर जो है कि यहाँ पे लेके आ गए, पशुवार के साथ इसको दे देंगे। अरे भाई ये प्लास्टिक पूरा निकाल लेना है। हाँ, अभी क्या कर रहा, लगा रहा। कुट्टी निकालनी है अभी। हाँ, ओके। फिलहाल जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ताड़पत्र कितनी ला के रखी है। यहाँ पे जो है कि सारी लकड़ी है, लकड़ियाँ हैं।